दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर, थिंक बियॉन्ड। बड़ा मलहरा थाना अंतर्गत ग्राम कोडन में आज सुबह एक तेंदुआ के घुस आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। गांव में रहने वाले सुरेश यादव ने बताया कि जानवर की लोकेशन पिछले कुछ दिनों से आसपास ही मिल रही थी। लोगों ने वन विभाग की टीम को खबर की तो फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचे। जब सुरेश यादव जानवर को दिखाने के लिए अधिकारियों के साथ गया तब जानवर ने सुरेश पर हमला कर दिया, जिसमें सुरेश यादव हालांकि हमले में बाल बाल बच गया। बड़ा मलहरा रेंजर आरबी खरे वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग और गांव वालों की मदद से तेंदुए को भगाने की कोशिशें जारी हैं। दो दिन से डेरा डाले जहां से भी आया कोई पता नहीं है। आज सुबह से दिखा, हम लोगों गांव वालों ने सूचना दी, वन विभाग के 3-4 आदमी आए। अब वो उसको कह रहा हम हटा रहा है, अब हटे या ना हटे, अब हम लोग तो दहशत में इस चीज के। क्या तुम्हारे ऊपर हमला भी किया? जी, हमारे ऊपर हमला किया। हमने वो पुलिस वाले बोले मेरे को बताओ कहाँ है, हमने बताया कि ये है, वो वहाँ से वो चाट मारी और हमला भी किया, मगर हम सुरक्षित थे, हम भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, इसलिए वो चला गया लौट के। विभाग के कितने कर्मचारी हैं? चार पाँच कर्मचारी। इस संबंध में जब रेंजर आरबी खरे से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गांव के लोगों की मदद से और वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कोडन गांव के खेतों से खदेड़ दिया, लेकिन वह अभी भी पिपरा गांव के पास एक बांस के पेड़ के नीचे बैठा है। रेंजर ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया है और रेस्क्यू टीम की मांग की है। आज वन परिक्षेत्र बड़ा मलहरा अंतर्गत तेंदुआ की हरकत नजर आई है, तो वो अब किस हालत में है और कहाँ है? इस समय सुबह 9 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम कूड़न में एक जानवर दिखा है, तो उसके तहत स्टाफ भेजा। स्टाफ के द्वारा कंफर्म करवाया कि तेंदुआ है, तो आँख से दिखा गया कि तेंदुआ है, तो हम तैयार होके हमने तुरंत पहुँचे और हमने अपने वनमंडलाधिकारी एवं वो वनमंडलाधिकारी गुप्ता जी को सूचना दी। वहाँ से उसको अपने उड़नदस्ता वाहन के द्वारा आवाज करके खदेड़ा गया, गाँव वालों को वहाँ से हटाया। तो वो कूड़न से वो खेतों खेतों भागता हुआ इस समय ग्राम पिपरा के पास जो पठापुर और कूड़न के बीच में है एक बांस बिरे में अभी बैठा हुआ है। इसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कर दी है कि रेस्क्यू टीम पन्ना से बुलाई जाए और अभी वो गांव वालों को भी यहां से समझाया दी कि भगाया है कि भाई गांव के आसपास ना रहें। और इस समय बांस बिरे तो वहीं मौके पर हम खड़े हैं, करीब 100 मीटर दूर बांस बिरे में अभी बैठा हुआ है और जहाँ तक है उसका स्वभाव है कि वो अंधेरे में ही बाहर निकलेगा। तो रेस्क्यू टीम तब तक आती है तो हम अपनी दोनों तरफ से मोर्चाबंदी संभाले हुए हैं और देखे हुए हैं, और नहीं आती है तो शाम तक अंधेरे में तेंदुआ सुरक्षित वहाँ से निकल जाएगा। ये सर कंपार्टमेंट कौन सा और बीट क्या कौन सी? बीट तो ये तो राजस्व एरिया है जहाँ पे मतलब ये है, लेकिन वैसे राजपुरा और इस तरफ गुलगंज बीट लगती है। क्या कोई नुकसान हुआ है इससे? अभी ऐसी नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। गांव वाले कह रहे हैं कोई बछड़े को? गांव वालों द्वारा कोई आधिकारिक तौर पे हमें सूचना नहीं दी है, यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसकी विधिवत कार्रवाई कर उन्हें उसका मुआवजा राशि। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।